सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द मार्जिन, सो लेट्स चेक। तो देखो जो करेंसी ट्रेडिंग है उसमें यूएसडी आईएनआर यानी डॉलर रुपीस के पेयर की बात करते हैं मार्च फ्यूचर के, तो देखो इसकी रेट चल रही है 76.41 के आसपास, लेट्स कंसीडर दैट। अब अगर आप कैलकुलेट करो, एक लॉट में 1,000 क्वांटिटी होती है, यानी 76 का एक, तो 76 का एक के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो 1,000 क्वांटिटी, तो 76,000 रुपए आते हैं, 76,000 रुपीज। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको काफी हैवी मार्जिन पे करने पड़ते हैं। बट इसमें क्या फायदा है एक आपको, कि एक लॉट अगर आपको इसका चाहिए 1,000 क्वांटिटी का, तो यू ओनली हैव टू पे 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। यानी देखो यहां पे आपको आ रहा है कि जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो देखो आप 5 लॉट इजीली ले सकते हो इसके, क्योंकि 2.5% उसका कितना होता है अमाउंट का, 1912 यानी 1912 रुपए के आसपास। सो ये इसमें एक फायदा है। अब आपको प्रॉफिट्स बताता हूँ, देखो इसमें कितने अच्छे हो सकते हैं आपके। आज का चार्ट देखो इसका, यूएसडी आईएनआर के मार्च फ्यूचर का। अब यहां पे एक रेजिस्टेंस थी, देखो लेट मी शो यू, यहां पे एक रेजिस्टेंस थी। सो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वी हैव शॉर्टेड, आई हैव शेयर्ड दिस विद यू ऑल, अनिकेत भाई ने शेयर करा था। सो देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस थी, अब इन लेवल्स पे अगर किसी ने शॉर्ट करा होता तो उसको कितने पॉइंट्स मिले, पहले ये देखो 76.50 से शॉर्ट करा सपोज करो, एंड एकदम अच्छे तक नीचे तक ट्रेल करा, यहां तक मान लो 76 पॉइंट इजिली ट्रेलेबल सेटअप था 76.16 तक, तो 76.50 से 76.16 तक। तो लेट्स चेक दैट, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में चेक करते हैं। बाय अभी अपन ने सेल करा, तो अपन सेल वाली रेट उस साइड लिखेंगे एंड बाय वाली साइड अभी इधर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 76.16 पे अपन बाय मानते हैं एंड 76.50 पे अपन सेल मानते हैं, ठीक है। अब एक लॉट पे आपका कितना रिटर्न बनता, 290 रुपीज, ठीक है, एंड एक लॉट में आपका मार्जिन यूज हो रहा है 1900। तो यहां से देखो आपको चीज बता देता हूँ, आपका कितना परसेंट बना रिटर्न, 1900 का कैपिटल यूज करा आपने एंड आपका रिटर्न बना 290 रुपीज आफ्टर ब्रोकरेज ऑन वन लॉट, तो 15% रिटर्न तो आपका इंट्राडे में बन गया इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, 2 to 4 आवर्स में आपका इतना अच्छा रिटर्न बन गया यहाँ पे 15% रिटर्न। अब जस्ट इमेजिन कि आपने 10,000 रुपए यूज करके 5 लॉट लिए होते, तो चेक दैट 1640 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता, 20,000 पे जस्ट आपके 10 लॉट होते तो 3,000 का प्रॉफिट था। सो दैट्स इट, एंड अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं।